ಆರಂಭಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
ಈ ಒಂದು ಪರ್ಯಾಯ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ಆಳ್ವರ ಕೊಡುಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೊಗಳಿದ್ರೂ ಸಾಲಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕವೆಂಬಂತೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸುಂದರ ನೃತ್ಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇಟ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶ್ರೀ ಲಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಡ್ವಾನಿ ಜಿ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿಸ್ಡಮ್. आज से एक नया पर्याय शुरू हुआ है. उडुपी के विभिन्न मठों में से किसका आने वाले दो साल के लिए आधिपत्य रहेगा इसके निर्णय के आधार पर. और मैं बहुत आनंदित अनुभव करता हूँ कि उडुपी के आठ मठों में से जिनके साथ मेरा वर्षों से संबंध रहा और जिनका आशीर्वाद मुझे सदैव मिलता रहा, ऐसे पेजावर स्वामी जी ने उनका पर्याय आज से शुरू हो रहा है. और ये पहले पहले कार्यक्रम में अभी अभी जब हमारे वीरेंद्र हेगड़े जी बोल रहे थे, मैं सोच रहा था कि मैं सार्वजनिक जीवन में होने के कारण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का वर्षों से प्रचारक होने के कारण बहुत सारे कार्यक्रमों में गया हूँगा कई प्रकार के, लेकिन उडुपी में जैसा कार्यक्रम आज मैं भाग ले रहा हूँ वैसा पहले कभी नहीं देखा. मेरा मन आज बहुत प्रसन्न है कई कारणों से. एक तो उडुपी वह स्थान है जिस स्थान में, जिस राजनीतिक क्षेत्र में मैं काम करता रहा हूँ 1951 से, उसमें अगर किसी मठ मंदिर ने या उनके स्वामियों ने मेरे दल को प्रवेश दिया तो वो सबसे पहले उडुपी था. उडुपी की नगरपालिका में जब पहली बार हमको विजय प्राप्त हुई तो हिंदुस्तान के कोने कोने में उडुपी का नाम हुआ कि ये दक्षिण का पहला स्थान है जिसने राष्ट्रवादी विचारधारा की एक संगठन को
समर्थन दे करके और उसके आठों मठों के अधिकारियों को सम्मान दे करके और एक बहुत बड़ा कार्य किया। कर्नाटक की शासन ने कुछ दिनों बाद जब यह घोषित किया कि कर्नाटक में जितनी नगर पालिकाएं हैं उन नगर पालिकाओं में से सबसे श्रेष्ठ कार्य किसी ने किया है तो उडुपी की नगर पालिका ने किया है, तो मन बहुत आनंदित हुआ। और आज जब जानकारी मिली कि इससे पहले तो कभी कोई दूसरी बार और यहाँ का प्रमुख नहीं बना, इस बार का जो पर्याय है उस पर्याय की विशेषता यही है कि पेजावर स्वामी जी दूसरी बार बने हैं और दूसरी बार बनने के बाद यह जो पहला कार्यक्रम होगा उसको वो कहते हैं पर्याय पेजावर पर्याय उत्सव, और उसकी स्वागत समिति के अध्यक्ष हैं श्री वीरेंद्र हेगड़े। और वीरेंद्र हेगड़े जी से परिचय बहुत पुराना है, बहुत उनका आशीर्वाद मिलता रहा है। उमा भारती उनकी शिष्या है और उमा भारती जी ने ये सोचा कि मेरी ऊंचाई कुछ कम है इसीलिए कुछ ऊंचा होना चाहिए। लेकिन सब दृष्टि से मैं मानता हूं कि आज का यह कार्यक्रम मेरे लिए तो कम से कम अद्वितीय कार्यक्रम है। इस प्रकार का कार्यक्रम कभी मैंने पहले देखा नहीं और आज उसमें मैं सक्रिय रूप से भाग ले रहा हूं। और मैंने पेजारु स्वामी जी को कहा कि सबसे पहले मुझे बुलवाया है, मैं तो सुनना चाहता था और आपके भाषण को सुनने के बाद मेरे मन में कुछ आता, यहाँ पर तो इतने बड़े श्रेष्ठ लोग बैठे हैं, मेरे बगल में ही चंद्र बाबू यहाँ आए हुए हैं और चंद्र बाबू वो एक एक बाकी लोग तो एक एक राज्यों को संभालते हैं, वो तो दो दो राज्यों को संभालते हैं आजकल। सचमुच मैं आपको बता नहीं सकता कितनी खुशी है मुझे, और वो खुशी जो है वो इस कारण भी है कि मैं मानता हूं कि भारत में अलग अलग क्षेत्रों में लोग होंगे, कोई शिक्षा के क्षेत्र में काम करता है, कोई सेवा के क्षेत्र में काम करता है, लेकिन अगर हिंदुस्तान में महानता आई है कि जिसके कारण विश्व भर के लोग जो हैं वो भारत को एक महान राष्ट्र मानते हैं, तो उसका कारण है स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जैसे साधु संतों स्वामियों जी के कारण उन इस भारत देश की विश्व भर में प्रतिष्ठा है। और इस कारण जैसे जैसे स्वामी विवेकानंद जी का प्रभाव सारी दुनिया में फैलने लगा तो सब लोग आश्चर्यचकित हो गए कि एक स्वामी वो इतने विद्वान हुए कि वो केवल मात्र शिक्षा के लोगों को नहीं सिखा सकते लेकिन जो धर्म के क्षेत्र में धर्म गुरु बने हुए हैं उनको भी अगर कोई मार्गदर्शन कर सकता है तो रामकृष्ण परमहंस कर सकते हैं और स्वामी विवेकानंद जी कर सकते हैं। और ऐसे लोगों को जब मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, उनके संसर्ग में आता हूँ, संपर्क में आता हूँ, तो लगता है कि सचमुच हमारा देश एक महान देश है, एक श्रेष्ठ देश है, और उसकी श्रेष्ठता जितनी जल्दी स्वीकार की जाएगी विश्व भर में उतना ही विश्व भर के मानव समाज का कल्याण हो। और आज यह जो कार्यक्रम है पहला कार्यक्रम इस पर्याय का, वह इस बात का प्रतीक है
कि सचमुच यह पर्याय ऐसा है कि जिसके कारण लोग तो ये चाहते हैं कि ये चलता ही रहे, बहुत अच्छा है, लेकिन एक व्यवस्था है जिस व्यवस्था के अनुसार 2 साल का कार्यकाल स्वामी पेजावर स्वामी जी को होगा, उनके मठ के वो प्रमुख है, और इसीलिए लिखा हुआ है ऊपर ऊपर श्री पेजावर पर्याय 2016 से 2018 तक। और इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया और मुझे डॉक्टर हमारे वीरेंद्र हेगड़े जी के तुरंत बाद कहा कि अब इसके बाद अडवाणी बोलेंगे, तो मैंने पेजावर स्वामी जी को कहा कि मैं तो बहुत बाद में बोलता तो ठीक रहता, लेकिन अभी अभी तुरंत मुझे बोलने के लिए कहा है, मुझे कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि मुझे तो खुशी आनंद का एक भाव प्रकट करना है कि इस उडुपी ने किस प्रकार से, जिस क्षेत्र में मैं राजनीति करता रहा हूँ वर्षों से, उस क्षेत्र को उन्नत करने के लिए यहाँ की एक बहुत बड़ी संस्था को, उडुपी मठ को, उसको, उसके व्यक्ति को और एक पर्याय का दूसरा अवसर दिया, बहुत बड़ी बात है। मुझे तो बताया गया कि यहाँ पर बहुत कम ऐसे लोग होंगे कि जिनको दो दो इस प्रकार के अवसर मिले, और ये मिला है पेजावर स्वामी जी को, मैं धन्य अपने को मानता हूँ, और आज यहाँ पर आकर के आप लोगों के सामने इस मठ का आशीर्वाद प्राप्त कर रहा हूँ, इस उडुपी के इन सब संतों का आशीर्वाद प्राप्त कर रहा हूँ, इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती मेरे लिए। इसीलिए मैंने कहा कि मेरे लिए आज का यह कार्यक्रम अद्वितीय है, और इस कारण मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सभी का कि आपने मुझे यह अवसर दिया है। मैं कोई, लोग वैसे कहा करते हैं कि राजनेता जो लोग हैं उनको माइक्रोफोन के सामने नहीं खड़ा करना चाहिए, नहीं तो वो सबका समय स्वयं ले लेंगे, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आज यहाँ पर साधु संत इतने बैठे हैं, उनमें पेजावर स्वामी जी भी बैठे हैं, मुझे संतोष नहीं होगा जब तक मैं उनको नहीं सुनूंगा। इस कारण भी मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ आज के इस अवसर के लिए, और विश्वास करता हूँ कि यहाँ का आशीर्वाद लेकर के आप जीवन के सब क्षेत्रों में जहाँ जहाँ पर आप काम करते होंगे वहाँ पर कभी भी अनैतिक किसी बात से समझौता नहीं करेंगे, नैतिकता आपकी पूरी ताकत रहेगी, और उस ताकत के सहारे ही आप देश की सेवा करते रहेंगे। इतनी इच्छा प्रकट करता हुआ मैं आप सभी साधु संतों को प्रणाम करता हुआ धन्यवाद देता हूँ कि मुझे इस महत्वपूर्ण अवसर पर आपने आमंत्रित किया, और एक प्रकार से इन सब लोगों का सम्मान किया, मेरा भी सम्मान किया, बहुत बहुत धन्यवाद। परम पूज्य श्री श्री विश्वेश तीर्थ श्री पादंगलोर फील्स दैट ही शुड ऑनर डिप्यूटी Prime Minister of India, former Deputy Prime Minister, Sri L.K. Advani. अच्छा जी, मुझे बताया जा रहा है कि पेजावर स्वामी जी जो हैं वो पांचवी बार बने। पांचवी बार पर्याय उनका आरंभ हुआ है और उसका दूसरा चरण है। बहुत बहुत आभारी हूँ, और एक बार फिर से मैं प्रणाम करता हूँ पेजावर स्वामी जी और उनके सब जो बाकी सारे संत मंच पर बैठे हैं। धन्यवाद। श्रीपाद अंगड़वरु अनुग्रह संदेशवन्न नीडी आशीर्वदिसबेकु अंत प्रार्थने। ಈ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅದ್ವಾನಿಜಿಯವರು ಬಂದಿರುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ,
ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದೆ. ಆದಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ಆಂಧ್ವಾನಿಗೆ ಆಗಮನಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಶೋಭಾ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ವೇತು ಹಮಾರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಏಕ ನೇತಾ ಇಸಿ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಅನೇಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತುಷ್ಟ ಹಮಾರ ವಿಷಯ ಮೇ ಆಂಧ್ವಾನಿಜಿ ಕಾ ಅತ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಹಮಾರ ಪ್ರಥಮ ಸಂದರ್ಶನ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಮೇ ಜೈಲ್ ಮೇ ಹೋಗ್ಯಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಾ ಜೈಲ್ ಮೇ ಉನ್ಕಾ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಶನ ಹಮಾರ ಹುವಾ ಹಮ್ ಕಾರಂಗ್ರಹವಾಸಿಯೋಕೋ ಸ್ವೀಟ್ ಲೇನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗಯಾ ತಮ್ಮ ವಹ ಆಧ್ವಾನಿಜಿ ಬಂಧಿತ ಹೋಗಿ ಆ ರೇ ಥೆ ಹಮ್ ಭೀ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕಾ ವಿರೋಧ ಕರೆನೆ ವಾಲಾ ಥಾ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧೀಜಿಕೋ ಇಸ್ಕೆ ಬಾರೇ ಮೇ ವಿಶೇಷ ಪತ್ರ ಭೀ ಹಮ್ ಪತ್ರ ಭೀ ಲಿಖಾ ಹೈ ಇಸಿ ಸಂದರ್ಭ ಮೇ ಉನ್ಕಾ ಪರಿಚಯ ಹುವಾ ಉನ್ನೊನ್ನೆ ಹಮಾರ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಲೇ ಉನ್ಕಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಸದೈವ ಹೋನಾ ಚಾಹಿಯೇ ಯಾ ತೋ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕಾ ಉತ್ಸವ ಹೈ ಪರ್ಯಾಯ ಮಹೋತ್ಸವ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕಾ ಉತ್ಸವ ಹೈ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಕಾ ಉತ್ಸವ ಮೇ ಲಾಲಕೃಷ್ಣ ಕಾ ಆಗಮನ ಅತ್ಯಂತ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಹೇ ಉಸ್ಕಾ ಅಭಿನಂದನ ಕರ್ತಾ ಹೂ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೇಮಸೆ ಉನ್ಕಾ ವಿಶೇಷ ರೂಪ ಸೇವಿಸಿದೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಲೇ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹೋ ಉನ್ಕಾ ನೇತೃತ್ವ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸದೈವ ಹೋನ ಅವಶ್ಯ ಹೀ ಹಮ್ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಾ ಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉನ್ಕೆ ಲೇ ಹಮ್ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕರ್ತೀವಿ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಂದ ಶ್ರೀ ಲಾಲ್ಕೃಷ್ಣ ಅಡ್ವಾನಿ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ. ಮಾನ್ಯ ಅಡ್ವಾನಿ ಅವರು ಶ್ರೀಗಳವರ 80ನೇ ವರ್ಷದ ವರ್ಧಂತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಶುಭಾಶಂಸನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ